तीन मुख मंगां नूं लै के कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी 2023 तो लग्या होया। तकरीबन 5 महीने तो वध दा समां हो गया पर इस मसले दे विच कोई हल निकलदा नज़र नहीं आ रहा। यह मोर्चा वख वख सिख भाईचारे नाल संबंधित जथेबंदियां दे सांझे एके वजो लग्या होया, जिस दे विच इह कहा जा रहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई होवे ते जिहड़े स्वरूप लापता होए ने एस जी पी सी दे अगे मंग रखी गई है कि वह कित्थे ने, किसने गायब किए, लापता किवें होए, उसका इंसाफ दिता जाए। तो नाल ही मंग रखी गई है कि जिहड़ियां बेअदबियां हुईयां लगातार उस दे इंसाफ की मंग आ जिहड़ी सीधी पंजाब सरकार तो भी की जा रही है, मुख तौर पर सेंटर सरकार तो जां इक दिल्ली दे विच बंदी सिंह प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई लई आम आदमी पार्टी की सरकार ते बाकी बंदी सिंघां की रिहाई है जिहड़ी सेंटर दे वल्लों होनी है तो उस दे लई मोर्चा लग्या होया। तो मोर्चा लगातार अपनियां मंगां नूं लै के पक्के तंबू भी गड्ढे गए, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर मोर्चा लग्या होया, पर इस नूं लै के जनहित विच पटीशन पाई गई सी जिहड़ी उस ते सुनवाई करन दे लई पंजाब दे कार्यकारी DGP गौरव यादव नूं तलब किया गया 24 मई नूं जवाब देने लई कहा गया कि हुण तक मसले का हल क्यों नहीं कढ सके तुसीं। पहलां भी समां सरकार वल्लों मंगिया गया सी, पंजाब पुलिस वल्लों मंगिया गया सी, पर उस समां रहिंदिआं भी जिहड़ा हाई कोर्ट वल्लों समां दित्ता भी गया पर उस दे विच कोई खास ठोस जवाब नहीं दिता गया, जिसके करके हुण हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी पेश की है ते नाल ही जनहित पटीशन ते सुनवाई करदिआं मुड़ तलब करन लई कहा गया ते 24 मई नूं पेशी कार्यकारी DGP दी हो सकती है। तो वो जिहड़ी DGP दी तलब करन लई तरीक मिथी गई है 24 मई नूं, उस दे विच हुण ओह की स्टेटस रिपोर्ट दिंदे ने, की जवाब देंदे ने, इस तो हाई कोर्ट संतुष्ट हुंदी है जां नहीं हुंदी ये उस दिन पता लगेगा। फिलहाल आज सुनवाई हुई उस केस के उत्ते तो उस सारियां गल्लां साफ कीतियां गईयां। इत्थे पछोकड़ वजो दस दी है कि 7 जनवरी तो मोर्चा शुरू हुंदा है 8 फरवरी 2023 नूं जदों मुख्यमंत्री पंजाब दे दफ्तर नूं घराओ करन दे लई जथियां दे रूप दे विच पंजाब दे जथे दे रूप विच मोर्चे दे आगुआं दे वल्लों इह ऐलान होया कि उन्हां नूं भेजा जाएगा उस पासे अपना रोस जाहर करन दे लई, रोस मार्च भी कढे जाणगे। तो उस वक्त एक बारी हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया सी मोर्चे ने, क्योंकि पुलिस दे वल्लों लाठीचार्ज होया और उस तो बाद उस जवाब दे विच मोर्चे दे विच आए प्रदर्शनकारियों ने रोस दे विच आके भन्न तोड़ भी की सी ते परचे भी दर्ज हो गए सी उन्हां दे उत्ते, कुछ परचे ने जिहड़े चंडीगढ़ दे थाने विच होए और इत्थों तक कि भी खबरां मिलियां कि पंजाब पुलिस ने भी इस विच घट नहीं की, उन्होंने भी लाठीचार्ज किया ते परचियां दा सिलसिला लगातार जारी रहा। तो हुण देखते हैं कि इस मसले दे विच पंजाब दे DGP गौरव यादव की जवाब देंदे ने, क्योंकि लंबे समय तो यह मंगां नूं लैके मोर्चा लग्या होया इस मसले दे विच। हालांकि SGPC दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी विरोध देखण नूं मिलिया सी, एक बार उन्हां दी गड्डी का भी शीशा भन्न दिता गया सी। तो यह लगातार कार्रवाइयां चल रही ने, पर कौमी इंसाफ मोर्चे के जिहड़े आगू ने उन्होंने कहा कि असी कदे भी हिंसक रूप नहीं इख्तियार करना चाहते, सानू मजबूर ना किया जाए और असी शांतमई ढंग दे नाल अपनियां मंगां मनवाउण दे लई लगातार सड़क ते बैठे हाँ। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते लगे मोर्चे नूं लैके हुण जनहित पटीशन ते जिहड़ी सुनवाई हुई है उस नूं लैके हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी पेश की ते नाल ही 24 मई नूं कार्यकारी DGP गौरव यादव नूं पेश होने लई आख्या ते जवाब देने लई कहा। इस तो पहला भी समा 1 महीने का दिता गया सी पर उस दे विच कोई ठोस जवाब नहीं दे सके, जिस करके हाई कोर्ट ने नाराजगी भी पेश की है कि आखिरकार तुसी उस मसले का हल क्यों नहीं कढ सके, उस दे लई कोई ठोस जवाब क्यों नहीं दे सके। हुण देखते हैं कि इस मसले दे विच DGP का जवाब की हुंदा है, पंजाब सरकार दे सामने कोई वड्डी चुनौती है बन पाउंदी है जां बनी हुई है जां फिर इसनूं पंजाब सरकार हल्के विच लै रही है, और खास करके सेंटर सरकार दे उत्ते भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि केंद्र सरकार बंदी सिंघां दी रिहाई क्यों नहीं करवाउंदी। हालांकि एक लखविंदर सिंह नाम दे बंदी सिंह दी रिहाई है जिहड़ी जमानत पक्की उसनूं मिल गई सी, क्योंकि उस दे वल्लों पहलां ही 3 महीनों दे समां जिहड़ा निश्चित किया जाता है ते अर्जी लगाई गई सी जिस दे बिहाफ दे उत्ते उसनूं रिहाई मिली है, और बाकी रहिंदे बंदी सिंह ने जिहड़े 8 जिस दे विच जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोवाणा मुख तौर के उत्ते 2 नाम मने जाते हैं, और उन्होंने जिहड़ी रिहाई है वह कदों होगी, जां प्रोफेसर भुल्लर जिन्हों तिहाड़ जेल में रख्या गया, और आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली की है जिन्हों के अंडर आती है तिहाड़ जेल, वह रिपोर्ट में अगे क्यों नहीं तोर रहे, उन्होंने उत्ते भी सवाल खड़े होंगे ने, और जो भी कोई चोण आती है तो उस जो भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी की गल आती है तो खास करके प्रोफेसर भुल्लर वाला मसला
बहुत जोर शोर नाल चुकया जांदा है। और दूजे पासे रही गल केंद्र सरकार दी ते उहनां दे उत्ते भी लगातार सवाल उठते हैं। और इसे दे नाल ही बंदी सिंघां दे लई चलाई गई मुहिम आ जिहड़ी सिग्नेचर मुहिम उस नूं लै के भी गवर्नर हाउस पुजेगी एस जी पी सी की कमेटी और एस जी पी सी के प्रधान भी मैंबर भी होंगे नाल हरजिंदर सिंह धामी सने जिहड़े उह सारे दस्तखत ने वह जमा करवाउणगे और थां थां चलाई गई मुहिम दे विच इक अपना हाजरी लवाउणगे कि गवर्नर हाउस दे विच केंद्र सरकार तक ही साडी गल पहुँचाई जाए जिस दे विच लिखा गया सी कि बंदी सिंघां दी रिहाई कौन कौन चाहुंदा ते सिग्नेचर करे। तो दस्तखती मुहिम एस जी पी सी वालों चलाई गई तो वह सारे दस्तखत इकट्ठे कर लए गए ने हज़ारां दी गिणती विच दस्तखत दसे जांदे ने कीते गए ने हो सकदा गिणती लखां विच भी होवे पर ये तो हुण जदों गवर्नर हाउस दे कोल पुज्जणगे ते उत्थे जिहड़े दस्तखत करवाए गए दस्तावेज ने जमा होणगे उत्थों पता लगेगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने डी जी पी तो भी जवाब मंगया कि इस मसले विच हल हुण तक क्यों नहीं कढ़िया गया। देखदे आने वाले समय च इस बारे होर की अपडेट आउंदा है। तुसीं बने रहो ABC पंजाब दे नाल।